पाकिस्तान बनाम भारत T20 मैच में जब हुआ था बॉल आउट, आखिर क्या हुआ था उस मैच में? T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन जब 2007 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ तो सभी लोग इसको लेकर सुपर एक्साइटेड थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि भारत पाकिस्तान के बीच पहला महामुकाबला हुआ जिसने इस वर्ल्ड कप को हमेशा के लिए यादगार बना दिया, क्योंकि मैच का फैसला बॉल आउट से हुआ था। नमस्कार, हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रही हैं और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 15 साल पहले साल 2007 में आयोजित T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में दो बार भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ था। डरबन के किंग्स मिड मैदान में खेले गए इस पहले मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए पहले बल्लेबाजी करने उतरी कप्तान MS धोनी की टीम इंडिया ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 141 रन बनाए। भारत की ओर से रॉबिन उथप्पा ने अहम अर्धशतक जड़ा था। वहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को भी 141 रनों पर समेट दिया, लेकिन एंड में मैच टाई हो गया। लेकिन मैच का फैसला तो होना ही था, क्योंकि उस समय T20 का फॉर्मेट था ही ऐसा, मैच रद्द हो सकता है लेकिन टाई बिल्कुल नहीं। इसलिए मैच को टाई के बाद बॉल आउट का मुकाबला कराया गया। दोनों टीमों को स्टंप पर गेंद मारने के लिए 5 खिलाड़ियों को चुनना था। 5 में जो भी टीम सबसे ज्यादा बार स्टंप पर गेंद मारती वो टीम मैच जीत जाती। बॉल आउट रूल्स के अनुसार दोनों टीमों को स्टंप पर गेंद मारने के लिए 5 खिलाड़ियों को चुनना था। भारतीय कप्तान धोनी ने वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा, एस श्रीसंत, इरफान पठान और हरभजन सिंह को चुना। पाकिस्तान की तरफ से शुएब मलिक ने उमर गुल, सुहेल तनवीर, यासिर अराफात, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ को चुना। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा ने लगातार 3 हिट किए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी, यासिर अराफात और गुल तीनों ने मौका गवा दिया। टीम इंडिया ने इस अहम बॉल आउट को 3-0 से जीत लिया और मुकाबला भी अपने नाम किया। T20 वर्ल्ड कप का बॉल आउट हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ ये भारत पाकिस्तान के थ्रिलर मैच में हुआ बल्कि T20 मैच टाई होने पर अब बॉल आउट की जगह सुपर ओवर में मैच का फाइनल रिजल्ट तय होता है। इसलिए अब ये सुनहरे अतीत का हिस्सा है। T20 वर्ल्ड कप के यादगार किस्सों के साथ हम फिर लौटेंगे। आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट हिंदी खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।